व्हाट इज़ अप गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो A74 में ऐप्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको सेटिंग्स ओपन करनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद गाइस आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी का, प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा ऐप लॉक का, आपको ऐप लॉक पर क्लिक कर देना है। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा ये, तो आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सारी ऐप्स आपकी शो हो जाएंगी। जिस ऐप को भी आप हाइड करना चाहते हैं आपको इस पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा गाइस यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप लॉक, और इसके नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन। अगर मैं ऐप लॉक को डिसेबल कर देता हूँ तो ये ऐप लॉक इस पे से हट जाएगा। अब हमें इस ऐप को हाइड करना है, तो उसके लिए गाइस आपको हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गाइस इस पे क्लिक करेंगे तो एक आपको पॉपअप यहाँ पर दिखेगा सेट एक्सेस कोड, तो आपको सेट एक्सेस कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप सेट एक्सेस कोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको अपना एक्सेस कोड सेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक्सेस कोड सेट कर लेना है, बट उससे पहले आपको हैश लगाना है और लास्ट में हैश लगाना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सेस कोड सेट कर लेता हूँ। गाइस मैंने अपना एक्सेस कोड डाल दिया है। एक्सेस कोड डालने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको ये कुछ सेकंड का वेट कराएगा। यहाँ पे गाइस आप पढ़ सकते हैं योर एक्सेस कोड इज हैश 1111 हैश, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। तो 3 सेकंड के बाद आपको डन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइस ये ऐप आपके होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको वो ऐप आपको नहीं देखने को मिलेगी जो अभी आपने हाइड की है। अब गाइस इसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए गाइस आपको अपने फ़ोन डायलर पर जाना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर एक्सेस नंबर डाल लेना है। तो मैं अपना एक्सेस नंबर डाल लेता हूँ। एक्सेस नंबर डालने के बाद ये देखिए गाइस ये ऐप ओपन हो चुकी है, इसको डायरेक्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइस आपको ये ऐप दोबारा से अनहाइड करनी है तो उसके लिए गाइस आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद प्राइवेसी में जाना है, ऐप लॉक पर क्लिक करना है। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद गाइस अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद जिस ऐप को भी आप अनहाइड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देना है और हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन को डिसेबल कर देना है। तो गाइस वो ऐप आपकी दोबारा से अनहाइड हो जाएगी। ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं ये ऐप वापस आ चुकी है। तो गाइस इस तरह से आप ऐप्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।